नमस्कार। जी नमस्कार। बातचीत कर रहे हैं पत्रकार लेखक राकेश रंजन जी के साथ। जदयू में जो चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच में, और नीतीश कुमार सब कुछ देख रहे हैं, तो ये जो पावर स्ट्रगल जो चल रहा है और नीतीश कुमार मुख्य दर्शक बने हुए हैं, तो इसका क्या ये होने वाला है, हाल होने वाला है? क्या जदयू के बीच में फिर कोई आरसीपी सिंह होंगे और उनको भी ललन सिंह निकलवा देंगे? माने इस हैसियत में तो ललन सिंह अभी हैं ही, कि अशोक चौधरी ऐसा नहीं होने देंगे? देखिए नीतीश कुमार जो अभी कुछ करते दिख रहे हैं ना, उसमें उनकी चिंता अब बहुत पार्टी को लेकर के और कुछ नहीं, समझ रहे हैं ना। एकदम जो होता है, क्योंकि इस तरीके की जो पार्टी होती है, जो व्यक्ति केंद्रित तो पार्टी होती है, और उसमें जो बातें हैं, तो नीतीश कुमार को कभी लगा कि नहीं भाई, बिहार से निकल के चलो प्रधानमंत्री की भी टोह ले ले, कुछ ले ले, सब कुछ ले ले। लेकिन जिस तरीके से बात आगे बढ़ी और धीरे फिर बिगड़ती चली गई, तो नीतीश कुमार के लिए लालू जी ने भी प्रयास किया कि भाई इनको संयोजक वगैरह बनाया जाए सब है, लेकिन बातें नहीं बनी, अब तक नहीं बनी। तो लगातार रहा है कि नीतीश जी जो है लालू जी का साथ छोड़ करके अपना रास्ता बदलने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, और बहाना उहाना जो होता है ना, कुछ आधार करना वो ढूंढ रहे हैं। इस सब प्रक्रिया में ना, कहीं ना कहीं पार्टी पर जो उनकी पकड़, उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, तो इस बात को समझ रहे हैं, तो उनका भी अपना भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है, उनको भी सब कुछ सोचना है। तो उस तरीके से जो भीतर खाने जो खींचतान चल रही है ना, उसमें जहाँ नीतीश कुमार की पार्टी खड़ी दिख रही है, वहाँ स्थिति बहुत भले ऊपर से आपको जो दिख रहा है, छिटपुट खबरें आ गई है अभी की भाई इनसे तनातनी हो गई, ललन सिंह से और अशोक चौधरी से, लेकिन इस तरह के टुकड़ों में वहां बहुत है खाना, समझे ना, जो आपस में उलझ रहा है और सब कुछ है। और नीतीश कुमार कभी उनकी पीठ ठोक देना, कभी उनकी पीठ ठोक देना, तो जो चल रहा है ना, तो उसे नीतीश के लिए भी मुश्किलें खड़े होंगी। क्योंकि देखिए ललन सिंह आज के तारीख में उनके साथ हैं, विश्वसनीय हैं, कभी आरसीपी सिंह भी रहे हैं, लेकिन ललन सिंह और अशोक चौधरी में आप अगर तुलना करेंगे तो ललन सिंह ठीक है, खास जाति विशेष से आते हैं, अपना जो है उनके भूमिहार जाति का कुछ है, तो अशोक चौधरी भी तो पिछड़ा समाज से आता, वहां भी तो उसकी पकड़ है ना, और उनकी राजनीति में उनके पिताजी भी महावीर चौधरी थे, वो भी रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, सब है। और ऐसा नहीं है कि नीतीश जी के साथ आके ही उनका वजूद बना है, कांग्रेस में थे उस समय भी, मंत्री थे, क्या बोलते हैं, राज्य सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस कोटे में सब है आए हैं, तो उनका भी अपना तो क्षेत्र में जनाधार है ही है, सब कुछ है, बरबीघा इलाका का जो है सब उधर जो इलाका, तो स्वाभाविक है उनकी भी महत्वाकांक्षा होगी। और अभी जो कहा जा रहा है ना कि ललन सिंह नीतीश कुमार क्या करे नहीं करे, उनका अपना तरीका है कि ललन सिंह चाहते हैं कि जो करें जल्दी करें, ठीक है, यह भी बातें आ रही है। नीतीश जी का अपना तरीका है, धीरे धीरे रास्ता बनाए, माहौल बनाओ, करो करो, और ललन सिंह चाहते हैं कि इतना समय क्यों लग रहा, क्योंकि जो परिस्थितियां बदल रही है ना, उधर लालू जी के परिवार पर भी जो तो कानूनी उनूनी जो शिकंजा उकंजा कसा उसा है, उससे वहां भी स्थिति ठीक नहीं जा रही है। अब देखिए कहीं कुछ जो अभी नया रेलवे का लैंड जॉब फॉर क्या है, लैंड फॉर जॉब मामले में जो मामला कसा है, ठीक है, तो ये आसान तो नहीं है ना, कानूनी पेचीदगी पर है कि दो मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। लालू जी ऐसे ही सक्रिय राजनीति से उनको तो दूर ही रखा है, ठीक है, सक्रिय होते हैं, अपना करते हैं, उनको चुनाव वगैरह लड़ना नहीं है। अब बेटा जो है उसमें फंस जाएंगी, लड़कियां फंस जाएंगी, उनकी बेटियां फंस जाएंगी, फिर यहाँ उत्तराधिकार का भी संकट होगा, बहुत तरह का बात है, कौन क्या करेगा, अगर अब कल क्या होगा नहीं पता, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में कहें कुछ ऐसा बातें आ गया जिससे बहुत असामान्य स्थिति हो गई, तो किसको क्या कहाँ बिठाएंगे, क्या करेंगे, इस सब पर जहाँ नहीं, चर्चा हो रही अशोक है। चौधरी जो ललन सिंह को चुनौती दे रहे हैं, उससे क्या यह दिखाना चाहते हैं कि आज की तारीख में नीतीश कुमार के करीब कौन है?
अरे भाई, तो आप तो देखे पिछले दिनों आप देखे होंगे, मीडिया में भी आया था कि मैंने सामूहिक रूप से जो है नीतीश कुमार अशोक चौधरी को दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं, गले लग रहे हैं। देखे थे ना, जिनमें कहा था कि अरे भाई आपको, हमको तो इतना मानते हैं, आप हमारे दिल में बसे हैं, सब कुछ। और ये जो कल परसों का जो विवाद हुआ है ना, उसमें भी विवाद का कारण यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो बैठक बुलाई और वहां बैठक में जो निर्णय लिए, जो विधानसभा प्रभारियों को हटाने की बात की, तो उसमें बात आई कि भाई नीतीश कुमार ने कहा कि जहां से हम चुनाव लड़ते ही नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, तो वहां काहे को प्रभारी और क्या कुछ रखना है। तो इसके लिए बात आ रही है यह उभर करके सामने कि अशोक चौधरी की सलाह पर ही नीतीश कुमार ने ऐसा किया, तो यह ललन सिंह को नागवार गुजरा। स्वाभाविक रूप से है कि वहां उन पद पर होंगे ललन सिंह के आदमी या कुछ होंगे, तो बेचारे जिम्मेदारी से मुक्त हुए, पांव पैदल हुए, तो उनको लगा कि अरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ईगो जो होता है ना, तो ईगो कलेश किया है। तो लेकिन राजनीति में ऐसा है कि अगर ईगो कलेश किया तो आप भीतर खाने निपटिए ना। राजनीति में तो होता ही है कि साथ में चल भी रहे हैं, एक दूसरे को गले लगे, टोपी पहनाने का नहीं कहावत होता है कि कौन किसको टोपी पहना, साथे रहता है, एक दूसरे को टोपी पहनाता रहता है। तो आप भी पहनाइए, सब करिए, लेकिन सार्वजनिक तौर से इतना न बर्दाश्त कर पाए और जो आ गई असहज स्थिति हो गई, तो उससे तो पार्टी की भी किरकिरी हो रही है ना। और यह तो संदेश गया है कि नीतीश जी ऐसा ना हो कि इनका सब कुछ बिखर जाए, कुछ हो जाए, अगर इसी तरह चलता रहा तो ये वर्चस्व की नहीं है। है ऐसा भी कि क्या ललन सिंह का जो जो भी रुतबा है इतना बढ़ गया है कि वो जब कभी चाहते हैं आरसीपी सिंह को निकलवा देते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को निकलवा देते हैं, तो तमाम जो मंत्री और विधायक हैं उनको भी उसी हैसियत में देख रहे हैं, और यहाँ अशोक चौधरी भारी पड़ गए हैं। देखिए अशोक चौधरी स्वाभाविक रूप से भारी पड़ेंगे। होता क्या है ना कि इधर जो संतुलन राजस्व जहां तक बैठाना, आप इधर मैंने महागठबंधन विरोधी नेताओं का बयान भी सुनिएगा, तो बार बार बयान आता है कि अरे ललन सिंह नहीं होते तो आज लालू जी का ये हाल नहीं होता। ठीक है, ये बातें आती है, और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना और सब कुछ करना, तो यह तो है कि नीतीश कुमार के साथ रह के वहां लालू जी के साथ लाख विश्वास पात्र हो जाए, नजदीकी पर आए, सब कुछ है। लेकिन लालू जी के मन में तो होता होगा कि अरे इस तरीके से ही लोग नहीं करता तो आज की तारीख में तो मेरा ये हाल नहीं होता। अरे कानून का तो लुका छुपी इस देश में एक पर एक देखे हैं, मामला चलते रह रहा है और सब कुछ हो रहा है, कहीं कुछ नहीं होता। लेकिन उनका जो स्थिति हुआ है तो है, और स्वाभाविक रूप से लालू जी जितना ललन सिंह से नजदीकी होंगे नहीं है, उतना तो अशोक चौधरी से है ही नहीं, और वोट का भी हिसाब किताब है। तो आज के तारीख में भी ललन सिंह के कहने से उनके समाज का वोट क्या दे देगा, लोग नहीं दे देगा। अभी तो देखिए ना मुंगेर में उनकी क्या हालत है, और है ना जी वहां का, मैंने संशय लग रहा है ना कि क्या होगा नहीं होगा, बहुत आसान नहीं होगी। तो इस तरीके से तो है ही है, तो महत्व तो मिलना है ना। अशोक चौधरी तो देखिए भाई, जातिवादी लड़ाई और ये सब जो हो रहा है, वोट का हिसाब किताब, तो उसमें तो आप अपना वजूद देखिए ना। लालू जी की घेराबंदी वोट के हिसाब से तो कभी नहीं हुई, उनको तो कानूनी के शिकंजे में करके ना उसको फंसा उसा के सब लेके उनको सख्ती मिलाया। तो ये सब तो है, और ये सब को भी देखना पड़ेगा। तो इतिहास तो आदमी का पीछा करता ही है। जमुई से जो जमुई के जो प्रभारी थे अशोक चौधरी, उनको एक ऑफिसर के साथ मैंने वादानुवाद के चलते, कहा सुनी के चलते, जो तत्काल उनको प्रभाव से हटा दिया गया कि आप जमुई के प्रभारी नहीं हो करके किसी और जिले के प्रभारी होइए। क्या इससे अशोक चौधरी काफी बिदके हुए हैं और नाराज हैं? नहीं तो उस समय जो डैमेज हुआ ना, तो उसी के कंट्रोल के लिए तो ये जो फिर जो भंग किए ना विधानसभा क्षेत्र प्रभारी वगैरह को नीतीश कुमार, तो उसी में ना बातें आ रही कि उस समय तो ललन सिंह के प्रभाव में आकर के, दबाव में आकर के उन्होंने अशोक चौधरी के साथ व्यवहार किया। लेकिन उनको लगा कि नहीं भाई, अशोक चौधरी को भी नाराज करना ठीक नहीं है, तो जो ये निर्णय लेकर के उसको पाटने की कोशिश हुई, तो वही ना धैर्य जवाब दे दिया इनका ललन सिंह का। उनको लगा कि भाई अब हम कहीं ना कहीं, मैंने क्या बोलते हैं उसको, किनारे हो रहे हैं, हमारी बात नीतीश कुमार नहीं सुन रहे हैं, कब जो बोले कि देख लेंगे देख लेंगे, ऐसा तक बात हो गई। तो हाँ वही है। नीतीश कुमार तो ललन सिंह का कभी नाम भी भूल जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो क्या, वो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या, दूसरे लोग बताते हैं ललन सिंह। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में जो है अंदर, वो भी काफी तनातनी है।
रण सिंह भी तो ऐसा नहीं है ना, वो भी तो बिदकते उदकते रहे हैं ना, वो भी तो नीतीश कुमार को कई बार ब्लैकमेल कर किए ही है ना, दबाव बना करके सब कुछ करके, उनको भी तो जुड़ी हुई थी उस समय जो आरसीपी सिंह है जो आगे लाए गए थे और सब कुछ हुआ था उस समय जो बातें थी तो वह। और नीतीश कुमार कुछ भूलते उलते नहीं है, जितना उनको हम भी थोड़ा बहुत देखे हैं, उनको भूलते उलते नहीं है, वो जानबूझ के अपना वो मैसेज देना जो होता है ना, वो राजनीति का वो शैली है। जो लालू जी कैसे दूल्हा बनाने लगे थे राहुल जी को, तो वो मजाक नहीं समझे को ऐसी शादी करा नहीं रहे ये हैं, तो तो वही है। इससे यह भी संकेत मिल रहा और निकल रहा है कि नीतीश कुमार अब यह समझने लगे हैं कि ललन सिंह जो हैं उनको एकदम अलग थलग कर देना चाह रहे हैं एकदम। हाँ तो ललन सिंह, चूंकि देखिए ललन सिंह नीतीश कुमार के भरोसे ना ललन सिंह की ताकत है जी। आप यह कहिएगा ठीक है, आपको इस बात का गुमान है कि हम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ है सांसद होते हैं सब कुछ है, तो आप कैसे लाइएगा दोस्त, अपना सीट तो जीतने की स्थिति नहीं बन रही है जो कहा जा रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, जो अनुमान लगाता है होगा क्या नहीं होगा सब कुछ होगा, तो आप क्या आप इस वजूद में है कि आप देखो दो चार सीट जिता के एमपी ले आइएगा कहीं से, कि दावा के साथ कहिए कि इसको टिकट दिया जाए और हम उसको जिता के ला देंगे और हमारे बूते आ जाएगा, क्या 5 विधायक जिता के ले आएंगे कहीं से क्या, वो ऐसा तो नहीं चलता है ना। आप संबंधों के बूते ठीक है, नीतीश कुमार के संकट के साथी रहे हैं ललन सिंह, रहे हैं उनको उस दौर में जब उनको मैंने क्या करता प्रबंधन की भूमिका में फंड वगैरह का भी व्यवस्था, चूंकि शुरुआती दौर में जब संघर्ष में होता है नेताओं को जरूरत पड़ती है सब कुछ है, तो सबका कोई ना कोई मददगार होता है, जैसे संघर्ष के दिनों में नरेंद्र मोदी जी के भी अमित शाह विश्वास पात्र रहे हैं, मददगार रहे हैं, उनको बहुत तरीके से मदद किया है घुमाया है, जैसे आडवाणी जी रहे थे वाजपेयी जी के मददगार, स्कूटर पर ले चल रहा घुमाना फिरा, तो उसको कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप अब उसका इतना कीमत सुनने लगी कि आदमी को बहुत असहज कर दिए। तो क्या जहां नीतीश कुमार खुद अपने ललन सिंह जो आपने कहा कि उनकी ऐसी क्षमता नहीं है कि दो चार सांसद दो पांच विधायक मैंने अपने बलबूते जिता दें, तो क्या ललन सिंह किसी दूसरे दल के करीब में हैं? जो कहा जा रहा है कि आरजेडी के बहुत करीब होते जा रहे हैं और इस बात को नीतीश कुमार समझ रहे हैं। हाँ वो तो कर ही रहे हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, क्योंकि तो उनका भी अब राजनीति तो लंबा है ना, अब वो भी देख रहे हैं कि उनके भी तो महत्वाकांक्षा होगी सब है, लेकिन देखिए राजद में भले उनको लालू जी क्या करेंगे नहीं करेंगे हमको नहीं पता, लेकिन लालू जी भले तात्कालिक लाभ के लिए तात्कालिक जरूरत के हिसाब से उनको साथ रख रहे हैं, लेकिन उनको भी बहुत कुछ लाभ देने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि जो चोट दिए हुए है ना, देखिए कुछ लोग है लालू जी कुछ मामलों में तो राजनीतिक से अलग है जी, आम आदमी की बहुत गांठ नहीं बांधता तो नहीं समझे, नहीं तो शिवानंद तिवारी जैसे लोग हैं ना साथ में जिनके चलाने वाला सब वो सब कुछ करने वाले हैं, ये है इधर सर जुड़ाए थे यहाँ जो है, फिर और दो लोग है रविशंकर प्रसाद भी वो कल वो कल तो वकील वगैरह रहे, तो ये सब है, लेकिन कुछ तो परेशानी में जब जब गिरते होंगे तो फिर ललन सिंह भी का याद आते होंगे, वो लोग तो विरोधी खेमा में है तो दूर है सब है, तो और जिस तरीके से शिवानंद तिवारी को इसलिए साथ रख लेते हैं कि वो बहुत संगठन काल उस समय के साथ ही रहे हैं सब है, लेकिन ललन सिंह के साथ तो ऐसा उनका कोई रिश्ता नहीं रहा है, तो उनका तो राजनीति लाभानी का रिश्ता होगा ना, तो वो तो समय बताएगा कि कितना उपयोगी है उस हिसाब से होगा, अब अभी लग रहा है उनको कि नहीं हम थोड़ा अगर नीतीश जी इधर उधर हो जाए, तो ये भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह हो सकता है कि नीतीश जी का साथ छोड़ दे। एक आखिरी सवाल कि क्या अब ललन सिंह की ऐसी हैसियत है कि वो जनता दल यूनाइटेड को तोड़ पाए, क्योंकि इसके पहले शरद यादव ऐसा नहीं कर पाए थे अध्यक्ष रहते, और जबकि कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के साथ नाराजगी के बाद वो पार्टी तोड़ सकते हैं, जदयू तोड़ सकते हैं, तो कम से कम ललन सिंह की ऐसी हैसियत है और नीतीश कुमार इसको जानते हैं। देखिए आपको जब इस पर चर्चा करिएगा ना तो आप आ जाइए थोड़ा जॉर्ज फर्नांडिस पर भी, ठीक है आ जाइए थोड़ा शरद यादव पर भी, दोनों नहीं हैं हाँ आज तो की इसी में तारीख में, ये सवाल भी इंक्लूड कर और लीजिए, इसी में ये सवाल भी जोड़ लीजिए कि जब नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस के साथ या शरद यादव के साथ उनका ट्रीटमेंट जो रहा है प्राय लोग जानते हैं,
तो ललन सिंह के बारे में किस खेत की मूली तो नहीं, लेकिन ललन सिंह को तो यह पता ही होगा कि क्या कर सकते हैं नीतीश कुमार उनके साथ। तो देखिए, ये सब जो ये सब समाजवादी विचारधारा की जो राजनीति चल रही है ना, उसमें लंबे समय से देखिएगा, मधुरी में रहने वाले कहाँ के चुनाव लड़ेंगे कहाँ से, ठीक है, शरद यादव रहने वाले कहाँ के चुनाव लड़ेंगे, जॉर्ज कहाँ के रहने वाले चुनाव लड़ेंगे कहाँ से, लोहिया जी रहने वाले कहाँ चुनाव लड़ेंगे। ये लोग ना जिस हिसाब से जो रहा है उनका अपना कोई जमीन नहीं रहा, ठीक है ना, किसी नेताओं का। उस तरह जॉर्ज फर्नांडिस संस्थापक थे पार्टी के, समता पार्टी बनाया था, तो उनके साथ रहे संघर्ष, जदयू जब टूटा बिखरा सब था, बावजूद इससे उनका यह हाल हो गया। आज तत्काल में आरसीपी सिंह का देखिए ना जी, भले बढ़ चढ़ के जितना बयान दे, लेकिन नीतीश कौन होते हैं, हम उनसे पहले साहेब थे और फलाना थे ढिकाना थे, लेकिन आज के तारीख में कहाँ है, क्या कर रहे हैं, भाजपा भी तलाया माला पहना करके और सब करके तो कर क्या रहे हैं, कितना पार्टी को तोड़ दिए, ये बात भी देखना होगा ना। तो ललन सिंह को तो आरसीपी सिंह का उदाहरण सामने है, उपेंद्र कुशवाहा का भी इस बात को देखना उदाहरण समझना होगा। हाँ, कहाँ जा रहे हैं सब लोग, तो घूम फिर के वही है भैया। आपको हम दावा के साथ कहते हैं कि जो हमारा जो अनुभव और अनुमान बताता है, जो उपेंद्र कुशवाहा जहाँ सबसे पहले समता पार्टी के टिकट पर जीते थे विधानसभा चुनाव जंदाहा से, वहां से विधानसभा चुनाव लड़ के दिखा दे और जीत के तो हम मान जाए, ये कहना हो सकता है बड़बोलापन होगा, लेकिन हम जमीनी हकीकत बता, हम उस जिले से आते हैं, वहां के समीकरण को समझते हैं, उनका जाति का जो राजनीति कर रहे हैं तो हम उसका वोट बैंक भी है, बावजूद इसके विधानसभा चुनाव नहीं जीतेंगे बिना गठबंधन, तो ये तो है स्थिति, और इन नेताओं का यही है हकीकत है जी। तो बातचीत के लिए आपका आभार। नमस्कार। जी नमस्कार।